मेवाड़ में भगवा ध्वज को लेकर फिर गरमाया माहौल। मेवाड़ में पिछले महीने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग पर भगवा ध्वज फहराने के बयान को लेकर उपजा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में हनुमान जयंती के जन्मोत्सव पर कुंभलगढ़ के दुर्ग पर भगवा ध्वज फहराया गया। इसमें मेवाड़ के सर्व समुदाय के लोग शामिल हुए। उसके बाद फिर भीमसेना द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उदयपुर ज़िले के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र के जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भव्य रैली निकाली गई। इसमें दलित समुदाय से जुड़े विभिन्न संगठन के लोग शामिल थे, जो भीमराव अंबेडकर व जय भीम के झंडों के साथ में जयकारे लगाते हुए वो यात्रा निकाल रहे थे। और जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रताप सर्किल पर जैसे ही उनकी रैली पहुंची, वहां पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ ही केसरिया ध्वज फहरा रहा था। उस रैली में शामिल कुछ लोगों ने केसरिया ध्वज को हटाकर वहां पर भीम सेना का झंडा खड़ा कर दिया। एकाएक हालात बिगड़ते देख पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उस भगवा ध्वज को वापस लगाने के प्रयास किए और वहां से भीम सेना के झंडे को हटाया गया। इस घटना के बाद मेवाड़ में अन्य लोगों में आक्रोश व्याप्त हैं। हालांकि पुलिस द्वारा एहतियात के तौर पर तत्काल मौके से भीम सेना के झंडे को वहां से हटा दिया गया। इस घटना के बाद क्षेत्र के अन्य लोगों द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि जिन लोगों ने यह करतूत की हैं कि वहाँ से महाराणा प्रताप के पास जो केसरिया ध्वज था, भगवा ध्वज था, उसे हटाकर भीम सेना का झंडा लगाने का जो प्रयास किया है वह गलत है। इससे सामाजिक सौहार्दता बिगाड़ने का यह प्रयास है। इस घटना को लेकर पुलिस व प्रशासन को सख्त व जल्द कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आरोपियों पर कार्रवाई हो और भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह से सामाजिक सौहार्दता बिगाड़ने का प्रयास नहीं करें। इस घटना के बाद में उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ क्षेत्र के तमाम जिलों में लोगों में आक्रोश हैं। अब देखिए करणी सेना के राष्ट्रीय संयोजक जो हैं उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। जय श्री राम साथियों, मैं कुमार गणपत सिंह दुलावत, श्री मेवाड़ करणी सेना संस्थापक अध्यक्ष। जिस केसरिया ध्वज के नीचे मेवाड़ का सर्व समाज लड़ा और अपना बलिदान, जसवंतगढ़ चौराहे पर नीला झंडा लगाने और भगवा झंडा उखाड़ने के मामले में पुलिस ने 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इधर स्थिति को पूर्व की भांति बहाल करते हुए पुनः भगवा झंडा लगाया गया है। घटना पर आक्रोश जताते हुए दूसरे दिन भी कई संगठनों ने ज्ञापन दिया। पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार रात को ही पुनः चौराहे पर भगवा ध्वज स्थापित करवा दिया। घटना को लेकर शनिवार को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, विप्र सेना सहित हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने जसवंतगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया। संगठनों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर आक्रोश जताया। एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर, एसडीएम हनुमान सिंह राठौर को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिलाध्यक्ष जीवन सिंह देवड़ा, विप्र सेना के देवेंद्र पालीवाल, प्रवीण सिंह झाला, हिम्मत सिंह झाला, प्रवीण पालीवाल सहित बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के सदस्यगण मौजूद थे।